हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। रनवे 34 होगी डिजास्टर। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये कह रहे हैं हमारे केआर के चीजा जी। हाँ दोस्तों, उनका रिव्यू देखा, उन्होंने कहा है, लेकिन लॉजिकल बात की है उन्होंने। लॉजिकल बोले तो मैं उनकी बातें बताता हूँ किस तरीके से उन्होंने कहा है कि डिजास्टर होगी। जैसे कि अजय देवगन इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों, तो तीन फिल्मों का नाम लिए जिनमें से पहला था दोस्तों राजू चाचा, अजय देवगन, ऋषि कपूर और संजय दत्त की जो मूवी आई थी काजोल में, उस मूवी में हीरोइन थी जो कि डिजास्टर साबित हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद फिर मूवी आई थी यूमी और हम, वो भी डिजास्टर साबित हुई थी। उसके बाद फिर मूवी आई सिवाय, वो भी फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। तो दोस्तों वो लॉजिकल बात कहने के बाद कह रहे हैं कि ये मूवी जो रनवे 34 है, एक हॉलीवुड इंग्लिश मूवी का रीमेक भी बता रहे वो, और बोल रहे कि यार ये मूवी डिजास्टर होगी। खैर हम अजय सर की ये ट्रेलर देखा, मेरे को भी ओके ओके लगा, लेकिन यार के अंकल तो यार पता ही है, वो लॉजिकल बात तो करते जरूर है लेकिन यार उसमें मैजिक भी ढूंढते हैं वो। तो इस मूवी का ट्रेलर में वो मैजिक ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सड़क 2 से भी बेकार ट्रेलर बता दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी जिंदगी में अगर कोई गंदा ट्रेलर लगा हो तो वो सड़क 2 का था, लेकिन उससे भी बेकार बोल रहा है यार बंदा ये। खैर जो भी है दोस्तों, जब ये 29 अप्रैल को ये रिलीज होगी ईद के मौके पे, तो पता चलेगा क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है, ऑडियंस को कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी मूवी हिट या फ्लॉप कराने के पीछे ऑडियंस की बड़ी हाथ होती है दोस्तों। अगर ऑडियंस को मूवी अच्छी लग गई तो वो मूवी सुपर हिट, अगर ऑडियंस मूवी को नकार दिया तो वो डिजास्टर, महा डिजास्टर भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस माए बाप है। ऑडियंस के भरोसे मूवी चलती है, ना कि कोई क्रिटिक के भरोसे चलती है। क्रिटिक सिर्फ नाम का होता है, कोई भी स्टार 2, 3, 4, 5, 10, 100 स्टार दे दो भाई, लेकिन ऑडियंस एक ही स्टार देगा, लेकिन मूवी को आसमान पे लेके जाएगा भाई। तो केआर के बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। केआर के अंकल भोंकते हैं सिर्फ, और उनका दावा जो है सही नहीं होता, उनका प्रेडिक्शन सही नहीं होता है दोस्तों। तो आप लोगों का क्या राय है केआर के अंकल का रिव्यू से, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।